अरे भाई हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जोहर सभी को। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज देख सकते हैं कि अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं, तो आकाश लोग अभी फ्यूल भरा रहा है। आकाश है, प्रदीप है और आशीष है। सोच रहे कि अब थोड़ा एग्जॉस्ट चेंज करा लें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया भाई कि ऐसे स्टॉक में थे और थोड़ा अपग्रेड चाहिए था बाइक पर। तो वही हम सोचे कि एग्जॉस्ट लगा लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो देख सकते हैं कि पहले भी और कुछ भी मॉडिफिकेशन करा के रखे थे। चलते हैं और अभी तक हम जा रहे हैं बिरसा चौक। तो बिरसा चौक में ही एक दुकान है, तो वहीं जाके अभी हम लोग कराएंगे एग्जॉस्ट चेंज। तो एक चीज़ पता है गाइस, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब मेरे पास बाइक भी नहीं था ना, उस टाइम से हम सोच के रखे थे कि जब अपना बाइक आएगा तो उस समय हम अपना गाड़ी पे एग्जॉस्ट लगाएंगे। तो आखिरकार वो फाइनली टाइम आ गया है, अपना एग्जॉस्ट लगवाने जा रहे हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ऐसे अभी देख सकते हैं कि आकाश, प्रदीप और मेरे पीछे आशीष बैठा हुआ है। तो हम लोग चार को ही जा रहे हैं, तो मज़ा आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितने भी नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी गाइस देख रहे हो कि अभी कितना ये है, कितना मतलब कुछ साउंड ही नहीं कर रहा है। आप लोगों को भी पता नहीं सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, हल्के में सुनाई दे रहा होगा बट उतना ज़्यादा नहीं दे रहा होगा। तो अभी जब लगवाएंगे ना तो थोड़ा सा भाई बहुत हैवी आवाज़ करने वाला है। तो गाइस कौन सा लगवाना चाहिए वो वहाँ जाके हम देखेंगे, क्योंकि हम कुछ सोच के नहीं जा रहे हैं कि यही लगवाना है। तो जो अच्छा रहेगा ना, जो सबसे बेस्ट आवाज़ करेगा तो वही को लगवाएंगे। सब चीज़ को टेस्ट करेंगे उसके बाद ही लगवाएंगे। तो बने में रहिएगा एंड तक गाइस। तो गाइस देखा जाए ना कि एग्जॉस्ट भी एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ था राइडिंग के लिए, क्योंकि मतलब एक तरह से सपना ही था जो आज कराने जा रहे हैं हम फाइनली। बस और कुछ दूर बस पहुंच जाएंगे और इधर बगल में ही एयरपोर्ट है। तो देखते हैं भाई क्या क्या एग्जॉस्ट है। दुकान तो पहुंच चुके हैं हम लोग। ये भी दिख रहा है सेंसर वाला ना, और बहुत सारा आइटम मिल जाएगा यहाँ पर ही। टैंक पैड भी है, इंडिकेटर भी है, बहुत कुछ है भाई। ये चेक, गर्मी लग जाएगा बहुत खराब। अरे मैया ये क्या देख लियो। तो गाइस देख सकते हैं कि इला है बेंड पाइप जो प्रदीप और आकाश जो पकड़ा हुआ है। तो पता है गाड़ी जब मतलब एग्जॉस्ट जब लग जाएगा उसके बाद कैसे आवाज करेगा प्रदीप, बता देते एक बार, बताओ ना। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं कि अपना गाड़ी पे काम शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो बेंड पाइप लगेगा, बेंड पाइप ये रहा। वैसे तो सेंसर वाला तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वैसे तो अभी भैया लोग लगाएंगे, उसके बाद एक एक करके सारा एग्जॉस्ट चेक करेंगे, उसके बाद फिर जो अच्छा रहेगा वो लगवाएंगे। ये खुलेगा भाई साहब, बहुत हैवी लगने वाला है। उसके बाद तो ये रहा गाइस, निकल चुका है भाई पूरा। और अभी बस यहाँ सेंसर खुलने को बाकी है। तो वैसे तो फिर खुल ही गया सब, वहाँ इंजन के पास से भी खुला हुआ है, वहाँ से बस सेंसर खुलेगा फिर हो जाएगा अपना काम। बहुत ख़राब, बहुत ख़राब। ना 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 ऐसे नहीं। तो अब लगने वाला है इस बेंड पाइप अपना। तो
थोड़ा ना इसको ना ऊपर करके लगाइए, क्या है ना फिर सटेगा नीचे। अच्छा ठीक है, वो देखो गाइस प्लेन जा रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। अभी थोड़ा सा ठीक आवाज़ कर रहा है बेंड पाइप लगने के बाद। ओ भाई अभी बैक फायर भी दे रहा है यार, बैक फायर भी दे रहा है। हेवी का एक तो ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, एक ऑस्टिन रेसिंग अब चाहे आवाज कही चाहिए, हमको बेस चाहिए थोड़ा बेस। पुलिस ना सर पहला चीज। हाँ वैसे भी एक वो है, ई हो गया और एक ई हो गया और एक ई हो गया। अच्छा ले चलिए ना टेस्ट कर लेते हैं, बेस में बेस्ट है भाई। लाइन बाय लाइन सुना दीजिए और क्या। तो पहले क्या सुनना है, शॉर्ट कैन बताओ, शॉर्ट कैन सुनोगे या फिर लॉन्ग कैन सुनोगे, बेसी आवाज जैसा सुनोगे वैसा बोलो। तो गाइस चेक किया जा रहा है भाई एग्जॉस्ट, भाई सबसे पहले लग रहा है ऑस्टिन रेसिंग का, तो भाई हेवी लगने वाला है। अच्छा इधर रहता है। तो गाइस ये तो बहुत ज़्यादा लाउड है, पहले ही से पता है। इसको इसको लेके चलेंगे तो भाई पुलिस तो कहीं भी पकड़ लेगा। हाँ पटाखे छोड़ रहा है यार। हेवी था ये तो। पटाखा फटा फेंको भैया का तो कान ही पड़ी है। हाँ सुनाइए। अब भाई ये सुनते हैं ये कैसा आवाज करता है। आज कुछ भी नहीं आ रहा होगा यार, लग जाएगा ये वाला तो फिर घर से निकलना बंद, ऊपर से तो घर वाला अलग ही डांटेगा। तो गाइस जब भी ये सब काम करिए ना तो पहले गाड़ी को अच्छे से चेक करवा लीजिए, बनवा लीजिए इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए कि आपका सही है या नहीं, तो क्योंकि इसके बाद लगने के बाद ना कुछ अलग ही गाड़ी परफॉर्मेंस करता है, तो उसके वजह से अगर मार खा सकता है, अगर मोबिल अगर कम हुआ तो इंजन से इसका चांस हो सकता है शायद से। अबे यार फायर छोड़ा सा पीछे से, जो आता है बस आवाजें सुनते गया। अरे नहीं तो मेन बात है कि फिर रास्ता में चलना मुश्किल हो जाएगा। हम खुद ही सजेस्ट नहीं करते ऑस्टिन डालो, तो डीपी क्लियर लगा हुआ है। हाँ तो गाइस ये अभी डीपी क्लियर निकाल दिया है भैया, सही है। अच्छा एक बार इसको टेस्ट करिए, उसके बाद फिर वो लास्ट रहेगा। अरे भाई डायरेक्ट
भाई साहब कान झनझना जा रहा है यार, ऐसा रहेगा तो बहुत दिक्कत है। मेरा भी कान दर्द कर गया। लाश इसको चेक कर दीजिए। मतलब ये बेस्ट है ना, मतलब सबसे अच्छा है ये। सबसे बेस्ट तो MT और R15 के लिए वो बेस्ट है। ओ। ये अच्छा है लेकिन इन सब गाड़ी में लगाओगे ना तो आवाज दब जाता है, बहुत ज्यादा फिल्टर है इसके अंदर। ओ। दम सीडीपी कलर के साथ आवाज। इतना तो पहले भी करता था। कान छूटता नहीं। हाँ। ये है कि मामू भी करेगा। तो चेक करेगा तो नहीं पता चलेगा। इसीलिए आपने बोला थी ये वाला। हाँ। सजा इसीलिए। सही तो लग रहा है, बस थोड़ा सा कम हो गया आवाज तो अब। हाँ। कान में उतना नहीं चुभ रहा है। तो गाइस देखिए कि अभी एक्रोप्रोविक लगने वाला है, सबका मन पसंद एग्जॉस्ट। तो भाई रेडी गाइस, तो आवाज़ चेक करते भाई। भाई यार यही तो पसंद है। यही तो लगाना तो यही था, पहले ही से सोच के आए थे और सही भी लग रहा है। हाँ यही लगाना है। हाँ चेक करते हैं यहीं से। हाँ यहीं फिटिंग कर दीजिए। तो सुन रहे आवाज भाई साहब। ओहो भाई, मेरा बाइक था। अबे मेरा ही गाड़ी था ना, ये मेरा ही गाड़ी था ना। गाड़ी है। अभी छोटा लगाता था लौड़ा और छोटा लगाता था तो और बहुत है। हां तो गाइस देख सकते हैं कि अभी आसिस जा रहा है टेस्ट करने के लिए। आग लगा दे रहा है बाइक, तो आग लगा दे रहा है भाई। सुन रहे हो भाई, सुन रहे हो इतना है भी। तो गाइस सारा काम तो हो गया है और आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग, देख रहे हो फटाका भी दे रहा है यार, मज़ा जा रहा है। वैसे तो अभी हम लोग जा रहे हैं धुरवा डैम का एक राउंड लेने के लिए, तो अभी रास्ता में इतना फटाका मारा है ना गाइस, इतना फटाका मारा है कि कुछ कहना नहीं जा सकता। दिल खुश हो गया गाइस, दिल खुश हो गया। मामू मुने ना है। भाई लोग रिएक्शन चेक कर रहे हो ना, पूरा हेवी यार। और आवाज लोग तो आप लोग सुन नहीं रहे हो यार, क्या ही खतरनाक आवाज आ रहा है। तो गाइस देखिए कि अभी हम लोग धुरवा डैम में, और धुरवा डैम का भी नज़ारा देख लीजिए, और इधर भी एक बार नज़ारा क्या ही है भी है। और लग तो चुका है भाई पूरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो अब आप लोग को फाइनल आवाज़ सुना देते हैं कैसा दे रहा है। तो
तो वैसे तो अभी इसमें देख सकते कि डीबी क्लियर नहीं आता है इसमें, तो बिना डीबी क्लियर का है वैसे तो अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब रैप करेंगे उसके बाद फिर देख पता चलता है। तो देख लिए आप लोग कैसा आवाज़ कर रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है और वीडियो को। तो गाइस अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा वीडियो पे, तो वीडियो को लाइक और जो भी नए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, तो टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में।